हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विथ न्यू स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी है जो इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया था एंड उसके ऊपर 8 मिलियंस व्यूज़ गया था गाइज। तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि ये स्ट्रैटेजी पूरा इन डेप्थ में आप एक्सप्लेन करो, तो आपके लिए स्पेशल मैं ये स्ट्रैटेजी पूरा इन डेप्थ में लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रैटेजी सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करती है एंड स्पेशली जो निफ्टी 200 स्टॉक्स है ना वहाँ पर ज़्यादा काम करती है। सेकेंड चीज़ है कि ये जो रेंज बाउंड स्टॉक्स है उसमें ये बेहतर काम करती है रादर दैन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अभी देखो, उसके पहले आपको क्या करना है, सिंपली NSE की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे व्यू ऑल इंडेक्सेस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखना निफ्टी 200 जो स्टॉक्स है ना, ये स्टॉक्स जो देखो ये स्टॉक्स है ना, इसको आपके वॉच लिस्ट पे ऐड करना है। अभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि निफ्टी 200 क्यों, 500 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। देखो, अगर जो लोग बिगिनर्स है मार्केट में वो निफ्टी 50 लेना, जिनको 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस है वो निफ्टी 100-200 लेना, जिनको 2 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है वो निफ्टी 500 लेना। मैंने निफ्टी 200 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखना कि वोलेटिलिटी कम होती है, ठीक है। तो जितना वोलेटिलिटी कम उतना आपके लिए सेफ ज़्यादा एंड रिटर्न सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ता है, तो आप वो वोलेटिलिटी कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉफिट लॉस हो सकता है। देखो, मार्केट में आपको पता है कोई भी स्ट्रैटेजी 100% गारंटेड के साथ नहीं है, ये जस्ट कैसा है कि हम लोग ये रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए मैंने निफ्टी 200 कहा, ताकि यहाँ पे जो अच्छी कंपनीज है प्लस वोलेटिलिटी जो है वो कम होती है। अभी क्या करेंगे, अभी ये देखो एशियन पेंट का चार्ट है, ठीक है, एशियन पेंट का चार्ट है। अभी हम लोगों को पता है जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्ट्रैटेजी जो है प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अभी जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ, सिंपली क्या करना है, ये देखना है ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखना इसको वीकली कन्वर्ट करना है, ठीक है, वीकली देखना, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे वीकली कन्वर्ट करना है। अभी वीकली चार्ट कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, मतलब जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस जहाँ से रिजेक्शन लिया है वहाँ पे एक रिजेक्शन जोन ड्रॉ करना है एंड जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया वहाँ पे, यहाँ पे देखो ये ऐसा सपोर्ट ड्रॉ करना है। अभी देखना फर्स्ट टाइम कहाँ पे सपोर्ट बना था, यहाँ पे बना था। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन कहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। मतलब ये दो पॉइंट मिला कि हमने ये सपोर्ट ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आता है तो सेल करना है। अभी देखना यहाँ पे देखो, नेक्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे आया, ये वीकली चार्ट है, इसको कम क्या करना है आपको, सिंपली डेली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है एंड जब भी यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे, देखो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई दी, देखो बुलिश इंगल्फिंग या फिर कोई भी कैंडल जो है अच्छा खासा प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना ये सपोर्ट के पास आया, ठीक है, सपोर्ट के पास। अभी ये कैंडल को देखना, अच्छा खासा प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी ऊपर हुआ, ठीक है, एंड जो क्लोज है उसका प्रीवियस डे के जो ओपन था उसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। देखो आपको सिंपली यहाँ पे बाय करना है, इस लेवल पे बाय करना है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड देन होल्ड करना है पूरा एंड तक, ठीक है, पूरा एंड तक होल्ड करना है। ये देखो यहाँ तक होल्ड करना है। अगर आप देखते हो तो आपका कम टाइम में ये देखना 32% का रिटर्न मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए बेच दो, शांति से बैठो, जब तक अभी वापस ये फिर से स्टॉक इस लेवल पे, इस लेवल के पास नहीं आता तब तक इस पे बाय नहीं करना है। अभी देखो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे स्टॉक आया, ठीक है, अभी देखना ब्लू चिप स्टॉक से थोड़ा पहले ही घूम जाते हैं, जब भी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे सपोर्ट या फिर डिमांड जोन है तो स्टॉक्स कभी कभी पहले ही घूम जाते हैं। अभी देखना मैंने कहाँ पे बाय किया था, ये देखो मैंने लाइन मार्क किया था, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट दिया था ना मैंने यहाँ पे बाय किया था ना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था। अभी क्यों, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना था, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना था एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कंसोलिडेट किया, जैसे ही ऊपर से फॉल आया, फॉल लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो देखना एक्चुअली देखो इस हैमर पे यहाँ पे बाइंग आता था, ठीक है, अगर बुलिश कैंडल बनता है, बट ठीक है मेरा यहाँ पे कन्विक्शन नहीं बना, मैंने वेट किया। जैसे ये 2 कैंडल रेड बना उसके बाद ये देखो ये कैंडल जो है, ये 2 कैंडल मिला के अच्छा खासा एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, मैंने यहाँ पे बाय किया एंड देखना फिर से अगेन 30% का रिटर्न ऑलमोस्ट ये स्टॉक देके गया। फिर देखना नीचे आया, अभी देखो ये यहाँ पे बीच से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। अभी देखो फिर से यहाँ पे नीचे आया है, तो अभी देखना ये प्रीवियस सपोर्ट के पास आया है। अभी देखो ये सपोर्ट पहले नीचे था, अभी शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे देखना ये रेड कैंडल जो है इसका अगर हाई निकालता है ये एशियन पेंट, तो बाय करना है फिर से ये टारगेट के लिए, ठीक है, ये टारगेट के लिए। तो 17 से 18% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है।
तो ये हुआ एशियन पेंट। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। अभी देखना सेम वीकली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल्स मार्क किया है, ठीक है ऑलरेडी कुछ लेवल्स मार्क किया है। ये देखो ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है ये नीचे का सपोर्ट जोन है। ये क्यों मार्क किया है, मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ, ये इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे लेवल्स मार्क किया हुआ है। देखना यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो पहले ये रेजिस्टेंस जोन अब हमारे पास था, ठीक है फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आया ना तो यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला। जब प्राइस पहली बार यहाँ पे आया, देखना पहली बार यहाँ पे आया, जैसी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया या फिर हैमर कैंडल बनाया। देखो ये यहाँ पे जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया ना, मैंने रनिंग कैंडल में यहाँ पे बाय किया था, देखना यहाँ पे मैंने बाय किया था, ये देखो यहाँ पे 18% का रिटर्न कितने 47 डेज में, मतलब 1.5 से 2 महीने में आपको 18 से 20% का रिटर्न देके जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है आप क्या करो, अभी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पहले बाय कर देता हूँ। आप क्या करना, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, ठीक है सो 15 से 18% मिलता है, देखना फिर सेकेंड टाइम वेट करना है उस प्राइस के पास आने के लिए। अभी देखो ये नियर बाय यहाँ पे आया, जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस। अभी देखो जो लोग एक्सपीरियंसड है वो यहाँ पे बाय के लिए जा सकते हैं, बट जो लोग बिगिनर्स है अवॉइड करो, वेट करो। देखो फिर से प्राइस कब कब आया, यहाँ पे आया, देखना यहाँ पे आया। देखो जैसे ये कैंडल ने है ना, ये जो स्विंग था नीचे का ये ब्रेक किया ना, यहाँ पे एक बाय करना है आप लोगों को, स्टॉप लॉस रखना है नीचे का। स्टॉप लॉस देखो कितना होता है 2 से 3% का, ये देखो 4% का स्टॉप लॉस, बट अगर इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो देखना यहाँ से देखो कैंडल क्लोजिंग का लेता हूँ मैं, ठीक है ये देखना 20% का रिटर्न, मतलब 1:5 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है 1:5। अभी देखो ये बीच में से रिवर्सल हुआ तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है इसको इग्नोर करना है। एक और स्टॉक लेता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ, पिडिलाइट इंडस्ट्री, ठीक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। अभी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वगैरह आप दिखाई देगा। यहाँ पे देखो अगेन ये प्राइस यहाँ पे पहली यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर रिवर्सल हो चुका था, यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्शन लिया था तो ये पॉइंट मिला था, सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो कंफर्मेशन मिला कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो जब ये नीचे आया था सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम जब नीचे आया ना, देखना जैसे ये ब्रेकआउट दिया था डेली टाइम फ्रेम पे, मेरा यहाँ पे बाइंग था, ठीक है जैसे ये कैंडल आया था ना, देखना ये डेली टाइम फ्रेम पे जैसे अभी ये गैप ओपन दिया था ना, गैप ओपन देके जैसे ये कैंडल जो बना था ना उसके बाद ये पुल बैक आया था ना, ये पुल बैक में मैंने बाय किया था, क्योंकि ये कैंडल को एक्चुअली बाय करना था बट ये 5-6% बढ़ चुका था तो मैं वेट कर रहा था पुल बैक का। देखो मैंने यहाँ पे बाय किया, अभी देखना यहाँ पे बाय करने के बाद मैंने सीधा जाके यहाँ पे सेल किया था, 15% का रिटर्न। आपको 1 महीने में 2 महीने में कोई ना कोई स्टॉक मिल ही जाता है, ठीक है निफ्टी 200 में कोई ना कोई स्टॉक मिल जाता है। अभी आपके लिए दिखाता हूँ, अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है HDFC बैंक। अभी देखना ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है, ठीक है यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, अभी यहाँ पे देखना ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तब यहाँ पे देखो यहाँ तक का मोमेंटम दिया था, सेकंड टाइम आया फिर से यहाँ तक का मोमेंटम दिया, अभी देखो थर्ड टाइम आ रहा है तो HDFC बैंक में 1280 रुपीज या फिर 1300 रुपीज के ऊपर वॉच रखना। जैसे ही HDFC बैंक यहाँ पे आता है आपको यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बाइंग दिखने के लिए मिल जाएगी एंड आपको अगले 2 से 3 महीने तक अच्छा से 30% तक का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये है स्ट्रैटेजी, अभी आपको क्लियर हो गया, पहला तो चार्ट वीकली देखना है, दूसरा निफ्टी 200 के पास जाना है, तीसरा है कि आपको एंट्री लेनी है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आए थे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है। देखो स्टॉप लॉस कितना रखना है, जहाँ पे आपकी एंट्री होती है ना वहाँ से जो नीचे का स्विंग लो है ना वहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, एंड ध्यान में रखना है वो स्टॉप लॉस 2 से 4% हो, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रिस्क कम चाहिए एंड रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, मतलब 1:5, 1:6, 1:7 ऐसे हम लोगों को ट्रेड करना है, ठीक है तो इसके हिसाब से प्लान करना। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्रिड नहीं करना है, ठीक है ये स्ट्रैटेजी अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये ब्रेकआउट देगा तो क्या, ब्रेकडाउन देगा तो क्या। देखो ये स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड मार्केट के लिए है, ठीक है तो यहाँ पे हम सिर्फ है ना सपोर्ट के पास बाय करते हैं, रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं। ब्रेकआउट आया तो अलग चीज़ है, ब्रेकडाउन आया तो अलग चीज़ है, ये कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ब्रेकडाउन आया तो वो स्टॉक हम लोग वहाँ पे छोड़ देंगे, ब्रेकआउट आया तो जिसको होल्ड करना है होल्ड करो, बट ये प्योरली रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है, ठीक है तो ये आप ट्राई करो कि जब भी रेंज के पास आता है ना तो प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी जिसके लिए बनी है ना वो रूल्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड गाइज ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है, ये बहुत सारे लोग जो है ना ये पेड स्ट्रैटेजी देते हैं, ठीक है ये पेड स्ट्रैटेजी देते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आपको 15 दिन में महीने के अंदर एक ना एक तो ट्रेड मिलेगा 200 स्टॉक्स में। ट्राई करो 100 स्टॉक्स में देखने के लिए, 200 भी बहुत ज़्यादा होता है, बट जिनके लिए एक्सप्लोजर ज़्यादा चाहिए उनके लिए मैंने 200 का। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।